इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें आएंगे हल, हल में हमारा पहला मिल जाएगा, दिया है 12, तो 12 का खंड करेंगे, 2 × 2 = 4, 3 × 12 हो जाएगा। दूसरी संख्या 15, तो 3 × 5 = 15 होगा। और तीसरी संख्या 21 है, तो ये बन जाएगा 3 × 7 = 21 हो जाएगा। तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ माने तीनों में जो संख्या कॉमन होती है उसको लिखा जाता है। उसके बाद तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो एक आंसर ये बन जाएगा। दूसरा हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में जो तीनों में कॉमन रहेगा वह संख्या आएगी। फिर अगर 2 में कुछ कॉमन है तो उसको लिख लेंगे, लेकिन 2 कहीं नहीं है, तो 2 × 2 दोनों उतर जाएगा। फिर आगे आएंगे, 1 × 5 लिखेंगे, फिर 1 × 7 लिख लेंगे, तो यानी यहाँ बन जाएगा 2 × 2 = 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60 और 6 × 7 = 42, 420 हमारा ये दूसरा आंसर बन जाएगा। अगला हो जाएगा हल, हल में हम दूसरा ले लेंगे, नंबर 2, दिया है यहाँ पर हमारा 17, 17 चूँकि अभाज्य संख्या है तो 1 × 17 होगा। फिर 23 इसी तरह से, तो 1 × 23 हो जाएगा। और 29 इसी तरह से लेंगे तो 1 × 29 हो जाएगा। अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो जो तीनों में कॉमन 1 है, और एलसीएम तो 1 × 17 × 23 और 1 × 29 हो जाएगा। अब हम 17 × 23 में करेंगे, फिर उसके बाद उसका गुणा हम 29 में करेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर तीनों का जब गुणा कर लेंगे तो 17, 23 और 29 का गुणा करने पर हमें मिला 17 × 667 हो जाएगा। और 17 का गुणा कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 11, 33, 9 यानी 11, 33, 9 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। फिर अगला जाएंगे हल, हल में हम नंबर 3 आएंगे, तो यहाँ पर हमें संख्या मिलेगी 1 × 8, 8 लिखेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 होगा। फिर 9, तो 3 × 9 हो जाएगा। और फिर 25 ले लेंगे तो 5 × 5 होगा। चूँकि यहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा जो एच सी एफ आएगा वह 1 आ जाएगा। और अगर हम बात करें एल सी एम की, तो हमारा 2 × 4 × 8 किसी में कुछ कॉमन नहीं है, और 3 × 9 और फिर आगे आएंगे 5 × 5 = 25, तो 25 × 8 = 200 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो बन जाएगा 9 × 2 = 1800, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ एच सी एफ हमें मिला 1 आंसर और एल सी एम मिल गया 1800। यहाँ पर भी इसी तरह से एच सी एफ 1 मिला और एल सी एम ये बन गया। यहाँ 3, तो 1 आंसर मिला पहले का 3, 420, दूसरे का आंसर मिला 1 और दूसरा बन गया 11, 339, अगले का भी मिला 1 और 1800 है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा।